रणवीर, एक सवाल आपसे है। सब इंडस्ट्री के लोग काफी अरसे से सर को जानते हैं, संजय सर को जानते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने एक बयान दिया है कि ये फिल्म करते वक्त मुझे जो कुछ संजय दत्त के बारे में पता चला वो मुझे भी नहीं पता था, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म में आप संजय दत्त बने हैं जो आने वाली बायोपिक है? शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि विदु सर मुझे मार देंगे। बट जी, मैं संजू सर को बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब हमने बायोपिक पर काम करना शुरू किया तो मुझे हमेशा लगा कि ये एक्चुअली बायोपिक नहीं हो सकती, ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन फिल्म है, क्योंकि ऐसी लाइफ एक इंसान को जीना, मतलब आप मुझे मेरे समझ में ही नहीं आया कि ऐसी लाइफ कौन जी सकता है। मुझे एक्चुअली अभी कल की बात है, जब संजू सर ने मैसेज किया कि ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो सडनली मुझे एहसास हुआ अरे यार, ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। फिर पीछे से एक दूसरे रणबीर ने मुझे टपली दिया और कहा कि तुम कभी संजय दत्त बन नहीं सकते, जरा इतना फुदको मत, संजू सर का ट्रेलर लॉन्च है, दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड। तो मैंने 1 साल इनको एम्यूलेट करने की कोशिश की। प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द कंट्री। समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वी कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ। बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये एक ड्रामेटिक या रोमांटिक फिल्म नहीं है।